हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फूड मूड ओरिजिनल। आज हम बना रहे हैं विंटर स्पेशल में स्पाइसी फ्राइड फिश, वो भी फेमस लाहौरी स्टाइल की। और जो मैं मछली इसके लिए यूज़ करूँगी वो है ट्राउट। जी, ट्राउट वैसे ही बहुत टेस्टी होती है, लेकिन जो मसाला हम इस मछली को लगाएंगे वो इसको सुपर डुपर टेस्टी बना देगा। वेल, पाकिस्तान में आपको ट्राउट जो है जस्ट नॉर्दर्न एरियाज में ही मिलती है, बट इन हियर लकीली इट्स क्वाइट एन एक्सेस। हमें इंग्लिश ग्रोसरी स्टोर्स पर आसानी से ट्राउट जो है वो इसकी दोनों टाइप्स, रेनबो ट्राउट एज वेल एज स्टीन हेड ट्राउट अवेलेबल होती हैं। तो आज जो मैं लेकर आई हूँ वो रेनबो ट्राउट है और ये विद स्किन मुझे मिली है, और इसके जो सारे कांटे या जो इसकी बोन्स हैं वो मैंने रिमूव करवा ली हैं, और ये थिन फिश फिलेस हैं 4 से 5। मैंने लिया है एक लार्ज बोल और इसमें मैं डाल रही हूँ लेमन जूस 3 टेबल स्पून, और नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अबाउट 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर लें। और लहसुन का पेस्ट ये मैं डाल रही हूँ अबाउट 1 टीस्पून। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इनिशियली हमने जस्ट इसी का ही थोड़ा सा पेस्ट बना के अपने सारे मछली के फिलेस को रब करना है, जस्ट लाइक दैट। और मैंने जस्ट मछली को पानी से वॉश किया हुआ है। ये सारा पेस्ट इस पे लग गया है। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस, जो कि हैं कुटा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, अजवाइन है 1 टीस्पून, हल्दी है मेरे पास 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ जीरा मेरे पास है 1 टेबल स्पून, कुटी हुई काली मिर्च है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर है 1 टेबल स्पून, गर्म मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून। इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मछली में उसका मसाला ही एक्चुअली गेम है, वही मेन चीज़ है, और इस मसाले की रेसिपी बहुत कमाल है, आई एम टेलिंग यू। ये अब हम इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल करना शुरू कर देंगे। इवनली सारी मछली को हम कोट करेंगे, और मछली को बहुत ज़्यादा हमने रब नहीं करना, जस्ट हमने जेंटली इसके ऊपर स्प्रेड करना है। अब हम साइड्स फ्लिप करेंगे, और ये स्किन साइड है लेकिन हम इस पर भी अपना मसाला जो है वो इवनली डालेंगे। कॉज स्किन हैज़ पोर्स और उसके थ्रू सारे फ्लेवर्स जो हैं वो पेनिट्रेट होते हैं, अंदर जाते हैं। और अगर आपके फिश भी विद स्किन है तो ज़रूर मसाला लगाएं। ओके, यहाँ लिया है मैंने 5 टेबल स्पून बेसन, उसमें मैं डाल रही हूँ अबाउट 1/4 कप पानी। बस इसका एक पेस्ट लाइक मिक्सचर बन जाए सो दैट हम अपने जो मसाला लगी हुई मछली के फिलेज हैं वो इसमें कोट कर सकें। ये कंसिस्टेंसी है। अब हम लेंगे एक फिले और इसके दोनों साइड्स पे हम बेसन की एक थिन लेयर जो है वो कोट करेंगे, और हाथ से हम जेंटली रब करेंगे। बहुत ज़्यादा करने की भी इस फेस पे ज़रूरत नहीं है। सेकंड फिले लिया एंड मेक श्योर आपने बेसन को जो है वो थिन लेयर में कोट करना है, एंड फॉर दैट वेरी रीज़न मैं इस स्टेप को सेपरेटली एक ट्रे में कर रही हूँ। इस तरह से यू विल सी कि मसाला जो है वो बहुत अच्छा होल्ड करता है, और इवन ड्यूरिंग फ्राइंग वो उतरता नहीं है, सेपरेट नहीं होता। लाइकवाइज सारे फिलर्स को हमने दोनों साइड से अच्छी तरह से कोट कर लिया है। स्पाइसी बड़ा ज़बरदस्त सा मसाला लग गया है। हम सेम बॉल में वापस ट्रांसफ़र करते हैं फिलर्स को, और इसको कवर कर देते हैं और मैरिनेट करेंगे फ्रिज में फॉर सम आवर्स। एटलीस्ट 2 घंटे तो ज़रूर मैरिनेट करें बिफोर यू फ्राई। टाइम हमारा हो गया है और अब हम इसको फ्राई करते हैं मीडियम हाई फ्लेम पे। हम इसकी स्किन साइड जो है वो ऊपर रखेंगे, मेक श्योर अगर आप विद स्किन यूज़ कर रहे हैं फिश को, और मीडियम हाई फ्लेम पे हम 4 से 5 मिनट ईच साइड फ्राई करेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड्स फ्लिप करेंगे। वाओ, हमने कोई फूड कलर नहीं यूज़ किया, स्टिल इस पर बहुत अच्छा सा कलर आया है। हम स्किन साइड को भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। टेम्परेचर जो है बहुत दिनों से माइनस में है और स्नो भी हुई है, सो फिश खाना इज अ परफेक्ट ऑप्शन। आप देखें फिश कितनी क्रिस्पी है और मसाला भी इंटैक्ट है। इसको निकाल लेते हैं और अपना सेकंड बैच फ्राई करते हैं। आइड से कि आप दो दो करके ही अपने फिलेस को फ्राई करें, पैन को ओवर क्राउड ना करें सो दैट आपके पास इनफ स्पेस हो आप इसको फ्लिप कर सकें। मेरे वैसे भी थोड़ा लेंथ वाइज ये बड़े हैं। एक साइड से डन हो गया है, साइड्स फ्लिप करते हैं। हमारे फ्राइज भी रेडी हो रहे हैं। फ्राइंग के बाद ट्राउट की जो स्किन है इट सुपर इजीली कम्स ऑफ, आप इसे एक ही गो में इवन रिमूव कर सकते हैं।
हमारी धुआंदार फिश डन है, ये देखें, स्किन इजीली ऑफ हो जाएगी और ये ऑलरेडी बहुत थिन फिलेज हैं, इनमें बहुत फ्लेवर है और गर्मा गर्म फ्राइज के साथ इनको मैंने सर्व किया है। एंड फॉर माई ब्रिटिश फ्रेंड्स इट्स फिश एंड चिप्स। आप किसी भी मछली के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं, इसको जरूर ट्राई करें। एंड आई एम श्योर अगर आप इस रेसिपी से मछली को मसाला लगाएंगे तो आपकी मछली चाहे कोई भी हो वो आपको ट्राउट का ही मजा देगी। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।